हमारे सामने जो क्वेश्चन है उसमें ये है कि ए बी सी डी ई एफ एक हेक्सागन है, ठीक, रेगुलर हेक्सागन, और हमें शेडेड एरिया अपॉन हेक्सागन का एरिया बताना है, ठीक है। तो अगर आप बेसिकली देखो तो बहुत सिंपल है, जैसे आप ये हेक्सागन बनाओगे, ठीक है, तो आपको कुछ करना नहीं है। सपोज़ इसको आप मिला दो और इसको आप मिला दो, ठीक है। तो अगर आप इसको मिलाओगे तो ये ट्रेपेजियम है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर ये ए है तो ये मान लो ये वन है, तो ये कितना हो जाएगा, टू, क्योंकि देखो अगर ये वन है तो हेक्सागन में ये साइड डबल होती है, ठीक। अगर ये वन है ये टू है, ठीक, तो ये एरिया वन होगा और ये एरिया फोर होगा, ठीक। और ये एरिया जो होता है वो वन इंटू फोर का अंडर रूट, ठीक, तो ये एरिया हो जाएगा टू। और अगर ये एरिया टू है तो ये एरिया भी कितना होगा, टू, क्लियर। अच्छा देखो, 4 2 6 2 8 1 9, अगर ये पूरा एरिया 9 है तो ये एरिया भी कितना होगा, 9, ये पूरा एरिया, ठीक है। क्योंकि देखो हेक्सागन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड किया हमने, एक लाइन डायगनल कीजिए, ठीक है। तो टोटल 9 9, इधर 9 इधर 9, टोटल कितना हो गया, 18, ठीक। और 2 + 2 कितना हो गया, 4, ठीक। तो शेडेड पार्ट का एरिया हो गया 2 + 2 4 / 18, कितना हो गया, 2/9, ठीक है। गुड आउट, थैंक्स। इसी को आप हेक्सागन के एरिया में यूज़ करते रहो, ठीक है। और जो मुझे अच्छे अच्छे क्वेश्चंस मिलते रहेंगे मैं आपके साथ शेयर करता रहूँगा, ठीक है। थैंक यू।